तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 सर्कल। पीके गर्ग रेफरेंस बुक में से पढ़ रहे थे। कल हमने 41 तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 41 तक हमने कल कर लिए थे लास्ट वीडियो में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट। प्रूव दैट एनी फोर वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पेंटागन लाई ऑन अ सर्कल। क्या बोला है कि कोई भी फोर वर्टिसेस एक रेगुलर पेंटागन के, तो सबसे पहले हम एक पेंटागन ड्रॉ कर लेंगे। इसने बोला कि प्रूव दैट एनी फोर वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। तो इसको हम नोट पैड पे कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। एक मिनट, नोट पैड पे करेंगे। तो इस यहां से यहां पे करके बताती हूँ। प्रूव दैट एनी फोर वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पेंटागन आर मीन्स लाई ऑन द सर्कल। तो ये मैं यहां करके दिखा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेगुलर पेंटागन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। पेंटागन मतलब फाइव साइड, और रेगुलर का मतलब होता है कि पांचों की पांचों जो साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है। जो पांचों की पांचों साइड हैं वो क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो ये हो गया, ये हो गया, फाइव हो गई ना टोटली, 1 2 3 4 फाइव, फाइव साइड्स हो गई। इनको हम नाम दे देते हैं, ए पी सी डी और ये ई, ठीक है। अब ये क्या है, रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर का मतलब होता है सारी साइड्स की जो लेंथ है वो बराबर है, रेगुलर का मतलब ही ये होता है। इररेगुलर पेंटागन का मतलब होता है कि जो साइड की जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है। रेगुलर पेंटागन बोल दिया क्वेश्चन में, इसका मतलब जो ए पी है, सी डी है, डी ई है, सी डी डी ई ए ई, ये सब आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब सारी साइड्स की लेंथ क्या है, बराबर है, ठीक है। और रेगुलर पेंटागन के एंगल्स का सम कितना होता है, अगर हम सारे एंगल्स का सम करें, इन सभी एंगल्स का सम करें आपस में, तो कितना होता है टोटल सम, टोटल सम होता है 540, 540। देखो ट्राई एंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360। ये तीन साइडेड फिगर है, ये फोर साइडेड फिगर है, और ये जो फाइव साइडेड फिगर होता है, जो पेंटागन होता है, उसके सारे एंगल्स का सम, इसका प्लस इसका प्लस इसका, सारे एंगल्स का सम होता है 540 डिग्री। एक एंगल कितने का हो जाएगा, सबसे पहले एक एंगल निकालेंगे हम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल, ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर इंटीरियर एंगल, ठीक है। प्रत्येक इंटीरियर एंगल कितने का हो जाएगा, यहाँ पे लिखना है ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 540 को मैं 5 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि टोटल 5 एंगल है यहाँ पे। तो जो एक एंगल है वो आ जाएगा हमारा 108 डिग्री का। मतलब ये जो एक एंगल है ये कितने का आ गया, 108 डिग्री। ये भी 108 का है, ये भी 108 का है, ये भी 108 का, ये भी 108 का, सारे जो एंगल्स होंगे वो 108 के आ जाएंगे, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन ने क्या बोला है कि कोई भी चार वर्टिसेस इसके, तो हम चार ले लेते हैं, ए बी सी डी। क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी चार वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाए कर रहे हैं। सर्कल बनाना चाहो तो इसके ऊपर सर्कल बना सकते हो इस तरीके से, मतलब ये चारों के चारों सर्कल के ऊपर है, मतलब ये चारों के चारों क्या है, बना देती हूँ मैं सर्कल, ठीक है। चारों के चारों पॉइंट सर्कल पे लाए कर रहे हैं, चारों पॉइंट, ई के लिए नहीं बोला इन्होंने, चारों के चारों जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ये सर्कल पे लाए कर रहे हैं चारों के चारों पॉइंट। ये प्रूव करना है हमें,
तो ये प्रूफ करने के लिए अगर मैं कोई भी दो एंगल्स या तो इन दोनों एंगल का सम 180 या फिर ए और सी इन दोनों का सम 180 प्रूफ कर दूं, तो ये प्रूफ हो जाएगा ना कि ए बी सी डी जो है वो सर्कल पे लाए कर रहे हैं, ये प्रूफ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इनके जो ओपोजिट एंगल होंगे, मतलब ये वाला एंगल अभी समझा रही हूँ फिर लिखना भी पूरा बताऊंगी, और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स हम निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको ये लिखना है और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राई एंगल ए डी ई। ए डी ई ट्राई एंगल में हम सबसे पहले लिखेंगे एंगल एंगल ए ई डी प्लस एंगल ई डी ए प्लस एंगल ई डी ए प्लस ई ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये लिखना है आपको, ब्रैकेट में रीजन लिखना पड़ेगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राई एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, तो इनके जो ओपोजिट एंगल है ये भी आपस में इक्वल होंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए ई डी, तो हमें पता है 108 है, तो ए ई डी के नीचे लिख दो 108 प्लस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। ये दोनों एंगल तो आपस में इक्वल है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ई ए डी, लिख रही हूँ मैं इसकी जगह, ठीक है। ट्वाइस ऑफ एंगल ई ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां से एंगल ई ए डी आ जाएगा। वन एट्टी में से सबसे पहले ये 108 लेस कर दो, ये प्लस में है यहाँ जाएगा तो माइनस में आएगा, तो 180 में से सबसे पहले 108 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 180 में से 100 गया तो 80, 80 में से 8 गया तो 72 बचा, और ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा, ये 2 कैंसिल कर दो, 2 3 6, 2 6 12, 36 डिग्री, तो ये आ गया हमारा 36 डिग्री, ये 36 तो ये भी 36 ही होगा। अब देखो ये वाला एंगल कितना था, ये वाला एंगल था 108, 108 थे ना सारे, 108 108 सारे के सारे 108 है, ये था 108 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो अगर इस पूरे एंगल का, ये जो पूरा एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर इन दोनों का सम 180 आ जाता है, तो इसका मतलब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब जो ए बी सी डी है ये चारों के चारों इस पे लाए कर रहे हैं, इसके ऊपर लाए कर रहे हैं, तो बस अब इसमें क्या करना है, सर्कल पे लाए कर रहे हैं, बस इसमें थोड़ा सा और करेंगे हम यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, एक तो 36 आ गया यहाँ से, तो ये आ गया 36, तो ये कितना आ जाएगा, ये पूरा 108 का, देखो एंगल ए भी तो 108 का है ना पूरा, ये पूरा 108 का है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल एंगल ए को मैं दो भाग में लिख सकती हूँ, तो एंगल ए को लिख लो एंगल ई ए डी प्लस एंगल डी ए बी। एंगल ए को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, एंगल डी ए पी इज इक्वल टू 108 डिग्री, मतलब ये पूरा 108 डिग्री का होता है पूरा। तो मैं इसको दो दो इसमें पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो मैंने लिखा ई ए डी और एक डी ए बी, तो ऐसे लिख दिया, तो ई ए डी मुझे पता है 36 है, 36 प्लस डी ए बी निकल जाएगा यहाँ से, डी ए बी इक्वल टू 108, 108 डिग्री, तो यहां से एंगल डी ए भी आ जाएगा अपना 108 में से 36 निकालो कितना आएगा, 8 में से 6 गया तो यहाँ बचा 2, 102 में से 30 गया, 100 में से 30 जाएगा तो 70 बचेगा, तो 72 आ जाएगा इधर, 72 डिग्री।
तो जो ये एंगल है ये कितना आ गया, ये आ गया 72 डिग्री। अब देखो अगर इन दोनों एंगल का सम 180 होता है तो इसका मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसका मतलब ए बी सी डी ये चारों पॉइंट सर्कल पे लाए कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है एंगल डी ए बी प्लस एंगल प्लस प्लस एंगल बी सी डी, बी सी डी इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो हाँ ये सही है। अगर मैं यहाँ लिखूँ 72 और इस बी सी डी कितना है 108 दे रखा है, तो यहाँ पे ये 180 के इक्वल आ रहा है। तो ये दोनों के दोनों 180 है, तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है, यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाता है, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ गया ना, तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मतलब ए बी सी डी पेंटागन के चार पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाए कर रहे हैं। पेंटागन के जो फोर पॉइंट्स हैं वो सर्कल के ऊपर लाए कर रहे हैं, यहाँ से हैंस प्रूफ। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, यही था ना क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन वापस से पढ़ देती हूँ, मैं वापस समझा देती हूँ। प्रूव दैट एनी फोर वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पेंटागन लाए ऑन अ सर्कल। तो इसने बोला है कि एक रेगुलर पेंटागन है ए बी सी डी ई, रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर का मतलब होता है कि जो सारी साइड्स हैं उनकी लेंथ इक्वल है और जो सारे एंगल्स हैं एंगल भी सारे आपस में बराबर है, उसको कहते हैं रेगुलर पेंटागन। पेंटागन मतलब फाइव साइडेड फिगर। ठीक है, तो इसने बोला कि पांच इसके वर्टिसेस हैं, इसमें से जो चार वर्टेक्स हैं इसके जैसे ए बी सी डी ये चार सर्कल के ऊपर लाए कर रहे हैं, ये प्रूफ करो। तो ये प्रूफ करने के लिए अगर हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों एंगल का सम अगर 180 आता है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया ना, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये प्रूफ हो जाता है ना। तो हमें यही प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक एंगल का निकाल लो कि टोटल इसका टोटल एंगल का सम होता है 540 डिग्री। तो एक एंगल कितने का हो जाएगा, 108 का। तो ये एक एंगल 108 का हो गया, ये भी 108 का, ये भी 108 का, ये पूरा भी 108 का, ये पूरा भी 108 का। ठीक है, उसके बाद हमने ये वाला ट्रायंगल लिया। इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके जो ओपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, तो वो हमने निकाल लिया 36 36। ठीक है, अब ये पूरा 108 का है ना, जो ए है एंगल ए ये भी 108 का, तो 108 में से 36 निकाल दो तो आ जाएगा 72। अब ये भी पूरा 108 है तो 108 और 72 को प्लस करेंगे तो 180 आ गया टोटल, 180 आ गया। इसका मतलब यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि जो ए बी सी डी है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और यहाँ से ये भी प्रूफ हो गया कि ये चारों के चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाए करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है ये पेज, कोई नहीं मैं पढ़ देती हूँ। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, दो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, जैसे ये सेंटर है इस सर्कल का सेंटर भी यही है और इस सर्कल का सेंटर भी यही है, तो ऐसे सर्कल्स को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, मतलब जिनका जो सेंटर है वो सेम है। तो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ, तो इनका सेंटर क्या है, ओ। हैविंग ए बी सी डी एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे ए बी सी डी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन एल पे। अब हमें क्या दे रखा है, ए डी बराबर 12, ए डी ये 12 दे रखा है, बी सी ये 8 दे रखा है, ये भी हम नोटपैड पे करेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ बताइए, सी डी की बताइए, ए सी की बताइए और बी डी की बताइए। चलो इसको नोटपैड पे करते हैं, वहां मैं वापस समझा दूंगी पूरा। ए बी सी डी, ए डी कितना है 12 है और बी सी कितना है 8 है। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ करेंगे, 12 और 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ 43 में क्या बोला है, मैं वापस से ड्रॉ कर देती हूँ। इन्होंने बोला है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मतलब दोनों का जो सेंटर है वो क्या है, सेम है। ठीक है, एक ये सर्कल हो गया और एक और सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल हो गया। अब हमें यहाँ पे एक लाइन दे रखी है एल, ये एक लाइन है, तो ये इस इन दोनों सर्कल को यहाँ, ये तो पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी, ये हो गया सी, और ये वाला पॉइंट हो गया डी। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये बता रखे हैं, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि जो एडी है, एडी मतलब ये पूरा जो एडी है वो तो कितना है, 12 सेंटीमीटर। मैं यहाँ लिख देती हूँ, एडी इज इक्वल टू दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर सी। और जो बीसी है, बीसी हमें दे रखा है 8 cm। तो हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा कि एबी की लेंथ बताइए, एबी की बताइए, सीडी की बताइए, और एसी बताइए कितना होगा, और बीडी बताइए कितना होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन मार्क है, सबके सब क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना, इक्वल नहीं है ये आपस में। ए बी क्वेश्चन मार्क, सी डी क्वेश्चन मार्क, मतलब ये सारे बताओ, ए बी की लेंथ कितनी होगी, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ए सी कितना होगा, और बी डी कितना होगा। तो ये बहुत इजी है, देखो इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। हम क्या करेंगे, देखो सेंटर को मैं थोड़ा यहाँ ले रही हूँ ऊपर ऐसे, ये सेंटर हो गया अपना। सेंटर से सबसे पहले हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसको दे दो नाम ई, दे दो इसको ओ ई, या फिर पी देना चाहो तो पी दे दो, चाहो ई दे दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे अब तो यहाँ पे लिख देना कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब परपेंडिकुलर टू ए डी एंड बी सी, ये यहाँ पे लिख देना आप। ये वापस बोल देती हूँ, कंस्ट्रक्शन में लिखना है ड्रॉ ओ ई परपेंडिकुलर टू ए डी एंड बी सी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जब ये ए डी पूरा का पूरा 12 दे रखा है, तो ये 6 हो जाएगा, ए ई 6 हो जाएगा, और ई डी भी 6 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ए ई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और ई डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि जो हमने थ्योरम पढ़ी थी कि सेंटर से अगर हम कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो इसको जो कॉर्ड होती है इसको बायसेक्ट करती है, जो सर्कल की कॉर्ड है, ये एडी क्या है, कॉर्ड है वो भी ना, इस बड़े वाले सर्कल की, बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है एडी। तो जी अगर हम सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड के ऊपर, तो वो उस कॉर्ड को बायसेक्ट कर देती है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, मतलब जो ए ई है और जो ई डी है वो 6 6 सेंटीमीटर हो जाएंगे। यहाँ पे आपको वो थ्योरम लिखनी है कि ए ई और ई डी 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे थ्योरम लिखेंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन द कॉर्ड बायसेक्ट द कॉर्ड, ये जो थ्योरम थी पूरी ये आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। कॉर्ड को बायसेक्ट कर देगी जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, तो वो थ्योरम यहाँ आ जाएगी। अब सिमिलरली आप लिखेंगे बीई और ईसी, ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिमिलरली हम लिखेंगे बीई बराबर 4, 8 को अगर मैं, 8 का मतलब ये पूरा 8 है, बीसी क्या है 8 है, तो ये हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4, तो बीई हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ईसी भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी आपको सेम थ्योरम लिखनी है जो ऊपर यहाँ लिखी थी, वो की वो थ्योरम यहाँ लिखनी है। थ्योरम लिखनी है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बायसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बायसेक्ट द कॉर्ड। बीसी एक कॉर्ड है, किसकी, इस छोटे वाले सर्कल की, और सेंटर से हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इस बीसी को बायसेक्ट कर देगा। बीसी 8 सेंटीमीटर की है ना, तो ये 4 हो जाएगा और ये 4, तो आपको ये लिखना है यहाँ पे। इतना हो गया। अब ए बी निकाल लेते हैं, बहुत इजी है। देखो ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी इज इक्वल टू, ए बी कैसे आएगा, अगर मैं ए ई में से डी ई निकाल दूं, ए ई तो ये पूरा है ना, ये पूरा,
इसमें से मैं बीई को माइनस कर दूं तो ए भी आ जाएगा ना, तो ए बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए ई माइनस बीई। ए कितना दे रखा है, ए हमें पता है 6 है, बीई भी हमें पता है बी कितना है 4 है, ए बी कितना आ गया अपना, ए आ गया, ए बी आ गया 2 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल, ए बी तो निकाल लिया, सी डी भी ऐसे ही निकाल लो सेम टू सेम। यहाँ पे सी डी निकाल लेते हैं, यहाँ पे सी डी, सी डी कितना हो जाएगा, सी डी मतलब ये सी डी कैसे हो जाएगा, अगर मैं डी ई में से ई सी निकाल दूं तो मैं यहाँ लिखूंगी डी ई, डी ई लिख दो या ई डी लिख दो, ई डी माइनस ई सी। तो हमें ई डी पता है, ई डी ये 6 है और ई सी भी पता है 4 है, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो सी डी भी हमने निकाल लिया, दो चीजें निकल गई, अब ये दो चीज और निकाल लिया, ये भी निकल जाएंगी। देखो अब इसने बोला कि ए सी बताइए, ए सी ये बताओ कि ये कितना होगा, ए सी कितना होगा, तो ए सी भी निकाल लेते हैं। ए सी इज इक्वल टू, ए सी कितना हो जाएगा, अगर मैं ए ई प्लस ई सी कर दूं, ए ई प्लस ई सी तो ए सी आ जाएगा ना, ए ई प्लस ई सी, ए ई हमें पता है 6 है और ई सी हमें पता है 4 है, तो 6 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली अब ए सी निकाल लिया, अब बी डी भी निकाल लो, ऐसे बी डी कितना आ जाएगा, बी डी कैसे आएगा, बी डी पूछा था ना इसने, बी डी कैसे आएगा अपना ए सी और बी डी, तो बी डी कैसे आ जाएगा, बी डी आ जाएगा बी सी और बी सी में सी डी प्लस कर दो, सी डी तो हमें पता है ना 2 है, तो बी डी आ जाएगा अपना बी सी प्लस सी डी। तो बी सी हमने निकाल लिया था यहाँ पे, बी सी बी सी बी सी, तो बी सी तो दे ही रखा है ना, 8 है बी सी तो 8 है, प्लस सी डी, सी डी हमने यहाँ निकाला था 2, तो बी डी आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। एक बार ये सारे आंसर चेक कर लेते हैं, बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 43 कंप्लीट। आंसर से एक बार चेक कर लेते हैं सारे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43 है ना, ए बी है 2, सी डी भी है 2, ए सी है 10 और बी डी भी है 10, सही आ रहा है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत इजी था ये, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 44 देखो, क्वेश्चन नंबर 44 में हमें बोला गया है कि इफ वन साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया जाए, इफ वन साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड, शो दैट द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर ओपोजिट एंगल। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं नोट पैड पे, पहले डायग्राम बना के दिखा देती हूँ मैं। क्या बोला है, इफ वन साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड, डायग्राम तो मैं यहीं पे बना रही हूँ, फिर हम इसको नोट पैड पे करेंगे। आंसर नंबर 44, सबसे पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लो, सबसे पहले बना लो एक साइकिल मतलब एक सर्कल बना लो, उसके अंदर बना लो एक क्वाड्रिलेटरल, उसको हम नाम दे देंगे ए बी, ये टच कर रहा है इसको, ठीक है बी, ये सी और ये डी, ये बना लिया हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इफ वन साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस, अब इसकी एक साइड, सपोज मैं ए बी को प्रोड्यूस कर दूं, प्रोड्यूस करना मतलब इसको बढ़ा दूं, और आगे ऐसे बी को मैं नीचे लिख देती हूँ, 1 मिनट, अगर हम ए बी को प्रोड्यूस करें, प्रोड्यूस कर दे मतलब बढ़ा दें, और इसको मैं ई नाम दे देती हूँ बढ़ा के, इफ वन साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसकी कोई भी एक साइड मैंने ए बी ले ली और इसको मैंने प्रोड्यूस कर दिया, शो दैट द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द, अब एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो गया, ये बाहर वाला एंगल, ये पूरा
मतलब सी बी ई, जो एंगल सी बी ई है ये क्या बोला इसने, शो दैट द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, इसके ऑपोजिट का जो इंटीरियर एंगल है मतलब इसके बराबर है। मतलब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो एंगल सी बी ई है वो किसके बराबर है, वो इक्वल है एंगल ए डी सी के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो इसको हम कर लेते हैं नोट पैड पे इसको, ठीक है ये आ गया ना क्वेश्चन समझ में अच्छे से। हमें प्रूफ करना है कि जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल ए बी सी और ए डी सी इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, सिंपल सी बात है। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल, बहुत इजी है ये भी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ओपोज सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ब्रैकेट में रीजन लिखोगे आप सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, मतलब जो एंगल ये है डी और ये जो एंगल ए बी सी है इन दोनों का सम 180 होगा ना, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो यहाँ पे आपको थ्योरम लिखनी है सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है। अब ये जो एंगल ए बी सी है और ये है, इन दोनों का सम भी 180 होगा क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है, इन दोनों का सम भी 180 होगा ना। तो यहाँ पे एक और इक्वेशन में लिख सकती हूँ, ए बी सी प्लस सी बी ई इज इक्वल टू 180, इनका सम भी 180 होगा, ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर जब स्ट्रेट लाइन बनती है तो 180 की होती है ना, उसको हम कहते हैं लीनियर पेयर। तो ठीक है ये हो गई इक्वेशन नंबर वन, ये हो गई इक्वेशन नंबर टू, दोनों को इक्वल रख सकते हैं हम, दोनों को इक्वल रख देंगे क्योंकि ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो दोनों को हम इक्वल रखेंगे। यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन वन एंड टू, वन एंड टू दोनों इक्वेशन का यूज करके मैं एक बार ये हटा रही हूँ यहां से, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर वन है, ये वाली वन है, ये वाली टू है, तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये वन इक्वेशन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, और ये वाली टू इक्वेशन है, ये वाली टू है और ये वाली इक्वेशन नंबर वन है, इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो ये इज इक्वल टू ये, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू, इसके इक्वल हो जाएगा ना, इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई, तो ए बी सी कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो बस ये हो गया प्रूफ, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई, हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था ना अपन को, तो ये हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ, ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का हम, क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फिर नेक्स्ट वीडियो में 46 से करेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर साइड ए बी डी एंड डी सी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर प्रोड्यूस्ड टू मीट ई, मतलब इन दोनों को प्रोड्यूस करा तो ये ई पे मीट कर रही है, ठीक है ये सब ये पढ़ते हैं। ए डी सी क्या है, 80 है, ये कितना दे रखा है 80 डिग्री, ठीक है, और बी ई सी ये दे रखा है 50, ठीक है, फाइंड क्या करना है बी ए डी, तो बी ए डी कहाँ पे है, बी ए डी मतलब ये बताइए ये कितने का होगा, और सी एफ डी, सी एफ डी ये वाला बताइए कि ये वाला कितने का होगा, ठीक है, ये चीजें हमसे पूछी गई है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ए डी ई एक ट्रायंगल है, ए डी ई ट्रायंगल में ये पता है 80 है, ये भी पता है 50 है, तो ये निकाल लेंगे
इन दोनों को 180 में से माइनस कर दो, 180 में से 80 गया तो 100, 100 में से 50 गया तो ये 50 का आ जाएगा, 50 का आ जाएगा। ठीक है, ए डी ई ट्राइंगल में सबसे पहले तो ये निकाल लो, ये आ गया 50 डिग्री का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम? अगर ए पता है तो मैं ये निकाल सकती हूँ, चलो वैसे इसको तो निकालने की जरूरत नहीं है, बी ए डी तो निकल गया ना, ये 80 है तो ये मैं बता कर सकती हूँ ये वाला कितने का होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ओपोजिट एंगल का सम 180 होता है ना। अब देखो, अब ये बड़े वाला ट्राइंगल ले लो ए बी एफ, इसमें ये 50 है ये 100 है तो ये 30 डिग्री आ जाएगा, सिंपल हो गया, क्वेश्चन खत्म बस। अब इसको लिखना कैसे, मैं लिखना यहीं पे बता देती हूँ, आंसर नंबर 45, बस ये लास्ट आंसर है आज के वीडियो का, ये लास्ट है, कल से करेंगे 46 है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई ट्राइंगल लेना है सबसे पहले, इसके अंदर लिखेंगे एंगल ए डी ई प्लस एंगल डी ए ई प्लस एंगल ए डी ई डी ए डी ई ए डी ई ए, तीनों एंगल लिख दिए, तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पे रीजन लिखेंगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राई एंगल इज 180 डिग्री। अब ए डी ई हमें पता है, ए डी ई हमें पता है 80 है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, ए डी ई कितना है 80 है। ठीक है, प्लस डी ए ई, डी ए ई मुझे नहीं पता तो इसको एज इट इज लिख दो, डी ए ई, डी ए ई, यही तो पूछ, यही तो बी ए डी और डी ए ई, यही तो हमसे पूछा गया है यहाँ पे। और एंगल डी ई ए पता है, डी ई ए 50 डिग्री दे रखा है तो इसकी जगह लिख दो 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहां से अपना एंगल आ जाएगा एंगल डी ए ई, एक तो आ गया यहाँ से, डी ए ई कितना आएगा, पहले 80 और 50 को आपस में करो प्लस, तो कितना हो जाएगा, पहले आपस में प्लस कर लो या इसको यहाँ भेजो, तो 180 में से 80 गया तो 100 बचा, फिर 100 में से 50 जाएगा तो 50 बचा, तो 50 आ जाएगा आंसर। मतलब ये जो बी ए डी था ये तो हमने फाइंड कर लिया, बी ए डी ये कितना आ गया 50, या मैं इसको लिख सकती हूँ डी ए ई भी कह सकती हूँ ना मैं इसको, तो ये आ गया 50 डिग्री, तो ये तो आ गया 50। अब एक और निकालना है ये वाला, तो ये कैसे निकलेगा, अब क्या करेंगे हम, तो हम यहाँ लिखेंगे अब यहाँ पे आपको लिखना है कि एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, यहाँ पे लिखेंगे एंगल, इसका पूरा नाम लिख दो ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में रीजन लिखना है, सम ऑफ ओपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ए बी सी और ए डी सी ये दोनों के दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ओपोजिट एंगल, देखो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्योंकि चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ए बी सी तो मुझे नहीं पता तो इसको एज इट इज लिख दो, एंगल ए बी सी हमें नहीं पता है प्लस ए डी सी मुझे पता है 80 है, तो यहाँ लिख दो 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से एंगल ए बी सी आ जाएगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 में से 80 लेस कर दो तो 100 आ जाएगा, 100 डिग्री का आ जाएगा, तो ये आ गया 100 डिग्री। अब इसके बाद ये बड़े वाला ट्राइंगल ले लो, ये ए बी एफ, तो हम इसके बाद लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी एफ, ए बी एफ ट्राइंगल के अंदर ये तीनों एंगल्स लिख लो, यहाँ पे लिख लो एंगल ए बी एफ प्लस एंगल एफ ए बी प्लस एंगल ए एफ बी इज इक्वल टू 180। ठीक है,
ब्रैकेट में रीजन लिख देना, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब ए बी एफ हमें पता है, ए बी एफ ये हमें पता है 100, अभी निकाला था ऊपर ये अपन ने, तो ये ए बी एफ जो है ये है 100। एफ ए बी पता है, एफ ए बी ये भी हमने निकाल लिया था ना 50 डिग्री, 50 डिग्री यहाँ निकाल लिया था ए एंगल, तो ये भी मुझे पता है 50 डिग्री। ये नहीं पता मुझे, ए एफ बी मुझे नहीं पता, और ये पूछा भी है। सी एफ डी कह दो इसको आप, सी एफ डी कह दो या ए एफ बी कह दो, ठीक है ए की बात हो गई वो, तो ए एफ बी ये मुझे नहीं पता, यही मुझे निकालना भी है, तो बस यहाँ से निकल जाएगा और हमारा आंसर खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। तो ए एफ बी अपना कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो 180 में से 100 माइनस कर दो तो 80 बचा, 80 में से 50 माइनस कर दो तो 30 आ जाएगा, 30 डिग्री। तो बस ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। ए एफ बी आ गया हमारा 30 डिग्री, या आप इसको लिख सकते हो सी एफ डी, इसको आप सी एफ डी भी बोल सकते हो। तो सी एफ डी कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, तो इस वीडियो में बस हम यहां तक ही करेंगे, 45 तक ही करेंगे, 50 और 30 सही आ रहा है आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 46 से स्टार्ट, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई एज सून एज आई सी योर मैसेज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।